अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक लिविंग लेजेंड के साथ, जिन्होंने फ्रॉम 1960s, 70s एंड 80s में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे रूल किया। उनकी मूवीज़, उनके सॉन्ग्स, एवरीबडी चेरिश्ड। आज वी आर सो ऑनर्ड दैट शी इज़ हेयर इन द स्टूडियोज विद अस। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूँ, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई को होस्ट The beautiful Sharmeen Ali. Ji Sharmeen. Wow, Asim. This episode, I'm sure, is going to be extremely exciting. और आपकी excitement का level तो I can only imagine. Of course, because हमेशा आपको पता है कि जब इस तरह का कोई legend हमारे show पर आता है, कोई icon जिनका हमने काम देखा हो एंड ग्रोइंग अप ईयर्स में, उनकी मूवीज़, उनके सॉन्ग्स, उनकी एक पर्सनालिटी जो है लार्जर देन लाइफ, और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद शी इज़ मेकिंग एन अपीयरेंस ऑन टीवी। और स्पेशली वी आर सो ऑनर्ड कि उन्होंने पीटीवी पे हमारा शो स्टार इन स्टाइल को सेलेक्ट किया, जिसपे वो तशरीफ लाएं। जी आसिम, मैं बैक स्टेज भी देख रही थी, जो खुशी है आपके चेहरे पे आज जो हमारी आने वाली गेस्ट हैं उनसे मिलके। आपने कभी सोचा था कि यू नो थ्रू दिस शो यू विल बी एक्चुअली बी एबल टू मीट ऑल दीज लेजेंड्स दैट आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड? आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी, आपको पता है कि पीटीवी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनका रिगार्ड हमारा पूरा नेटवर्क करता है। और जब भी ये बाहर के मुल्कों से कोई गेस्ट आ रहा होता है, कोई स्टार यहाँ पर, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उनको इनवाइट करते हैं, हम अपने व्यूअर्स के साथ उनको शेयर करते हैं कि भाई उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और उनका जो पास जब वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी तो उसके बारे में क्या क्या स्टोरीज हैं, वो सारे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस के साथ साथ अब आपसे भी और मजीद वेट नहीं हो रहा, तो क्यों ना अपने गेस्ट को बुलाया जाए। जी बिल्कुल, सो इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस कि आज वो हमारे शो पर हैं। सो लेट्स इनवाइट द लेजेंडरी, द आइकॉनिक मुमताज बेगम। So glamorous, ना लगा कि हमारे सेट पे कोई स्टार आई हैं, है ना? Thank you. This is the presence that you have, माशाल्लाह। और बहुत हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारे शो पर आई, आपने डिसाइड किया। इतने अरसे से आप स्क्रीन से ऑफ थी, आपके बारे में हमें पता चलता था कि आप कनाडा में हैं, फिर आपकी पूरी एक लेगेसी है फिल्म की जो आपने काम किया, तो अब आप पाकिस्तान में आई हैं, तो अब मूव हो गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई नहीं, मैं लाई गई हूँ। अच्छा ये कौन नेक इंसान है जिसे इतना अच्छा काम किया? मेरे साहबजादे मुझे घसीट के लिए। अच्छा। ओ, अच्छा, अच्छा। क्यों, उनका क्या मकसद था आपको? उनको शौक है। अच्छा। बचपन से ही शौक है उन्हें। ओके। लेकिन वो शौक मैं दबाती रही, मैंने कहा पहले आप अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करें, उसके बाद देखा जाएगा। Okay. फिर जब बड़े हो गए तो वो मेरी जो क्या कहते हैं पाबंदी वो नहीं रही उन पे, और फिर उन्होंने कहा लेट्स गो। तो फिर हम अपने, बहुत अच्छी बात है, देखिए ना इतनी बड़ी लेजेंडरी अदाकारा, उनके तो जीन्स में एक्टिंग टैलेंट होना चाहिए, बिकॉज आपने तो इंडस्ट्री पे रूल किया है। आपकी ब्लैक एंड वाइट मूवी से लेके फिर 60s से 70s, 80s, अर्ली 90s तक आप काम करती रही। जी। तो जब आप मूव करके चली गई कनाडा, तो मिस नहीं करती थी ये लाइफ? एक कहते हैं ना कि आपकी जो लाइफ होती है, लाइट्स, लार्जर देन लाइफ, स्टारडम, इतना ज़्यादा वो सब कुछ छोड़ के आप चली गई। उस वक्त आपके सामने बच्चे होते हैं। जी। तो फिर बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ भूलना पड़ता है, तो वो आपने फिर डिसाइड किया कि जी। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आपके साहबजादे जो हैं उनको शौक है एक्टिंग का, और वो लेकर आए हैं आपको वापस पाकिस्तान, तो क्या आपके ऑडियंस और आपके जो फैंस हैं वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आप भी हमें दोबारा स्क्रीन पे नज़र आएं? देखिए, मैं तो अभी बता रही थी किसी को कि आप मुझे घसीट के ले आए हैं, मैं आना नहीं चाहती। मैं तो शीशा पकड़ने आई थी अपने बेटे का, बाल संवार दिए, शीशा पकड़ लिया, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, तो अगर मुझे बेटे के लिए आना भी पड़ा तो मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम कैसे रखा आपने,
किसकी डिस्कवरी थी आप फिल्म के अंदर, किसने आपको इंट्रोड्यूस किया, कैसे हुआ ये सब कुछ? एक स्कूल था जिसमें मैं और एस ए बुखारी साहब की बेटी पढ़ा करते थे जी, तो उसमें स्टेज शो था एक, मैं परी बनी थी। अच्छा। और उनका रोल मुझे याद नहीं, मुझे अपना ही याद है, मैं परी बनी थी और हल्का सा उसमें एक दो तीन स्टेप्स भी थे डांस के। तो जब वो ख़त्म हो गया हमारा प्रोग्राम स्कूल का, तो ऐसे बुखारी साहब ने प्रिंसिपल के ऑफिस में मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ जब गई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अंजुम है, अंजुम हसन। अंजुम हसन। तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में काम करोगी, तो मुझे तो शौक था, तो मैंने तो जंप मारा, मैंने कहा अभी चले। मैंने कहा नहीं, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे चांस दिया था फर्स्ट टाइम आंसू फिल्म में। उसमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट थी आप? नहीं नहीं, एज डांस। अच्छा, डांस का था। एक था और दो तीन सीन थे बेग साहब के साथ। अच्छा, ओके। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने काट दिए। अच्छा। और लेंथ उसकी बढ़ गई थी, मैं अपनी सहेलियों को सबको इकट्ठा करके लेके गई थी। ओके। और मैंने उनसे कहा कि इस फिल्म में मैं हूँ, तो सब कह रहे थे मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ। अच्छा, फोटो सेट पे भी मेरी तस्वीर नहीं थी। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कोई हीरोइन तो नहीं हूँ, सुपरस्टार तो नहीं, मेरी क्यों लगाएंगे वो। लेकिन जब वो फिल्म खत्म हो गई तो उन्होंने कहा फिल्म तो खत्म हो गई, आप तो आई नहीं, तो ना आपका डांस था ना सीन से, कुछ भी नहीं, काट दिया। उन्होंने कहा लेंथ ज्यादा हो गई थी। तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट इंसान को होती है, आप इतना एफर्ट करते। इतना रोई थी मैं, इतना रोई मैं, तो जा ही नहीं रही थी वो अपनी जी, मैं तो वो सीट पे ही बैठे रोए जा रही, रोए जा रही, और सब कह रहे हैं चलो फिर कभी मौका मिलेगा। मैंने कहा मौका मिला तो था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे आप डिस्कवर हुई? उसके बाद फिर मुझे मैडम शमीमा अल्लाह गरीक रहमत फरमाई, उन्हें फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। okay. और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें साइन करना चाहती हूँ एज हीरोइन। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ छोटा सा काम किया था, तो आप मुझे एज हीरोइन दे रही हैं, साइन कर रही हैं। उन्होंने कहा जी। खैर, उन्होंने मुझे साइन कर लिया। उनकी फिल्म थी फर्ज। okay. वो खुद हीरोइन थी। okay. और उनके बेटे की लवर मैं थी। अच्छा। तो वो साइन तो मैं हो गई, मेरा ख्याल एक आध सेट भी हुआ जिसमें दो तीन सीन्स थे। ओके। उसके बाद फिर इलियास कश्मीरी साहब अल्लाह गरीक रहमत फरमाए उन्हें, उनकी एक फिल्म थी जिद्दी, और उनका एक गाना था छड मेरी वीनी ना मरो, बहुत मशहूर गाना था वो। गाना ऑलरेडी तीन चार हमारी आर्टिस्टों पे पिक्चराइज हुआ हुआ था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कुछ मज़ा नहीं आया। तो बाजी शमीम से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमारे इंडस्ट्री की ये रीत है, रिवाज है, कि अगर आप एज विलन आए हैं तो आप एज विलन ही रहेंगे, अगर आप हीरो हैं तो आप हीरो रहेंगे, अगर आप चंचल सी हीरोइन हैं तो हीरोइन रहेंगी, और अगर आप डांसर हैं तो बस फिर आप डांस ही करती रहेंगी, दम 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 दम। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। बस वो गाना मुझे मिला। इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। मास्टर सदीक साहब डांस डायरेक्टर थे, अल्लाह पाक उन्हें भी गरीक रहमत फरमाए। बस वो गाना था तो अल्लाह ने मेरी सुन ली। उसके बाद फिर एक और गाना इलियास कश्मीरी साहब लेकर आ गए, अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कभी कभी, बनारसी ठग, बनारसी ठग का, बिल्कुल। तो फिर अल्लाह मियां ने ऐसी सुनी कि बस बड़ा करम हो गया मेरे मालिक का। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। चलिए, इसके साथ ही आई विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी मुमताज बेगम। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे किस्से और कुछ सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मेरी उस्ताद थी मैडम शमी मारा जी, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुमने भागना है, रुकना नहीं है, रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, चिढ़ना नहीं है, जो जो कहता जाए जी जी करो, लेकिन कोशिश करो कि उससे बेहतर करो। मैं वाहिद वो फिल्म आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जिसने सब हीरोज़ के साथ काम किया, ये नहीं कि पंजाबी है तो पंजाबियों के साथ काम किया, उर्दू है तो उर्दू के साथ काम किया, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था। You welcome back after the break and we are with the legendary Mumtaz Begum. जी, तो हम आपकी फिल्मी करियर का सारा, उसकी जर्नी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले।
तो उस ज़माने में जो आइटम सॉन्ग्स हमारी मूवीज़ में होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लेजेंडरी अदाकाराएं थीं, उनके अंदर एक यंग लड़की ने आके अपनी प्रेजेंस फील कराई, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी और कितनी कोई मुश्किलात आपको आपने फेस की कि बस स्मूथली हो गया सब कुछ? नहीं, मुश्किलात तो आती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो मेरी उस्ताद थी मैडम शमीमा रा जी, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुमने भागना है, अच्छा रुकना नहीं है, हाँ, रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, चिढ़ना नहीं है, जो जो कहता जाए जी जी करो, लेकिन कोशिश करो कि उससे बेहतर करो, उससे बेहतर करो, बस मैं उसी बात को फॉलो करती रही और मतलब जो भी तनकीद आ रही है उसको भी एक पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करें। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि उस ज़माने में ये ट्रेंड था कि जो हीरो के रोल में आया वो हीरो ही करता रहेगा, जो हीरोइन है जो डांसर है, तो आप यू स्टार्टेड ऑफ विद अ डांस नंबर, उसके बाद फिर आपका हीरोइन के कैरेक्टर्स में ट्रांजिशन जो था वो मुश्किल था या वो नेचुरली इट जस्ट केम अबाउट कि आपको खुद ब खुद ऑफर आई? नहीं, मुश्किल मेरे लिए इसलिए नहीं था कि मुझे ऑलरेडी उन्होंने बाउंड किया हुआ था मैडम शमीमा रा ने, और जो मैंने 2-3 सॉन्ग जो वो किए थे वो उनकी रजामंदी से किए थे। अच्छा, तो इसलिए सबको पता था कि ये अब सॉन्ग नहीं करेंगी। अच्छा, फिर लॉन्च हुई आप एज ए हीरोइन? एज ए हीरोइन जी। ओके, अच्छा आपकी मूवीज में तो इतनी ऐसी ऐसी मूवीज हैं, अभी मैं कल लिस्ट पढ़ रहा था कि जिसमें हमारे नेक्स्ट डोर हमारी जो कंट्री है उसमें सीन टू सीन कॉपी बनी, आपके एक्सप्रेशंस, आपके सीन्स, आपके एक एक चीज़ कॉपी की गई वहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड था उस वक्त। बिल्कुल था, बिल्कुल तो था। कुछ एक क्लिप मैंने निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बारे में आप हमें बताइएगा उस फिल्म के बारे में और उस गाने के बारे में। ठीक है जी, आइए देखिए। ब्यूटीफुल, मतलब एक तो होता है ना डांस एक्सप्रेशंस, मेकअप, एक एक चीज, इस गाने के बारे में प्लीज बताएं कुछ। ये गाना जो है ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी मैं देखती हूँ। बहुत ही टची सॉन्ग है ये, फिल्म का भी, मेरी लाइफ का भी। अच्छा, इस गाने में हमारे साथ थे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जी। बिल्कुल, तो मैं तो बहुत छोटी थी जी, जहर पी के डगमगाते कैसे हैं मुझे तो नहीं आता था। हाँ। और सैड सॉन्ग कैसे गाते हैं वो भी मुझे नहीं आता था। हाँ। तो अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, बहुत अच्छे शहनशाह आर्टिस्ट थे। बिल्कुल, वो एक एक स्टेप मुझे बताते थे कि ऐसे करो। अच्छा, अब तुम डगमगा जाओ, अब गिर जाओ, अब तुम नशे में हो गई हो, तुम रो रही हो, तो बड़ी उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। अच्छा, हाउ वंडरफुल। लेकिन देखिए जो एक्सप्रेशंस है ना, वो एक्सप्रेशन कोई नहीं सिखा सकता, वो अगर आपके अंदर एक एक्टर है तभी एक्सप्रेशंस फेस पे आ सकते हैं। आई थिंक आपके प्रोड्यूसर्स और आपके डायरेक्टर्स ने यही एक्सप्रेशंस देखे होंगे जिसके बाद उनको ये फील हुआ कि आपको हीरोइन होना चाहिए। जज़ाकअल्लाह, बस ऐसा ही है। अच्छा, आपने जैसे कि 1972 में आई बिलीव काम स्टार्ट किया था, और फिर आप लेट 80s तक काम करती रही, 90 तक, तो उसके बाद आपको लगता है कि सिनेमा का हमारा जो लेवल था, जिस तरह की लार्जर देन लाइफ फिल्म्स बनती थीं, वो उसका लेवल ड्रॉप हुआ, उसका स्टैंडर्ड ड्रॉप हुआ, हम नहीं मेंटेन कर पाए, और उसकी क्या वजह लगती है आपको? मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने सवाल किया है तो मैं ज़रूर जवाब दूँगी। हमारी इंडस्ट्री में एजुकेशन नहीं थी, हम एक ही लाइन पकड़ते थे, जट। बस हम जट के पीछे ही भागते रहे, और एक उसमें हीरोइन होती थी, हमने कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। अगर हम चेंज करते तो कभी भी ये इंडस्ट्री बंद ना होती। अगर आप एक ही स्टोरी के पीछे लगे रहेंगे, ये एक ही सेट लगा रहेगा, तो लोग बोर हो जाएंगे। आप सेट चेंज करेंगे, आप ड्रेस भी चेंज करेंगे। सही। बस यही बात है, और कोई बात वेरिएशंस होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं। चलिए आपका एक नेक्स्ट सॉन्ग देखते हैं आगे। चल मुझे
ही खूबसूरत सॉन्ग है। और आप ये देखें शर्मीन कि उस वक्त के हिसाब से चाहे आपने आइटम नंबर करना है या आपने एक मॉडर्न लड़की का आउटफिट पहना हुआ है, किस तरीके से ये प्रिंसेस लाया का एक बहुत बड़ा स्टाइल था टू बंस वाला। मैं यही कहने वाली थी जो मैं देख रही थी क्लिप कि उस वक्त हालांकि ये पुराना है अबाउट हाउ मेनी इयर्स, लेकिन अभी भी कितना रेलेवेंट है जो आपका फैशन सेंस है, जो आपकी ड्रेसिंग है, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ। तो ये आप अपनी लुक्स पे खुद काम करती थी या उसके लिए स्टाइलिस्ट होते थे या आप दोनों की एक कंबाइंड एफर्ट होती थी? नहीं, उस जमाने में तो ये सब कुछ नहीं होता था। ओह वाओ, रियली? तो आप खुद अपने कपड़े सब अपनी लुक डिसाइड? ओह लवली, तो फैशन सेंस भी था टैलेंट के साथ साथ। अच्छा, इस फिल्म के बारे में बताएं। परस्तिश, परस्तिश अच्छी फिल्म थी और इसकी शूटिंग ज़्यादातर हमने अबटाबाद में की। अच्छा। और हमारे बेग साहब नंदलाल हम जिन्हें कहते थे, वो कभी कभी बहुत लेट आते थे। अच्छा। और कभी कभी टाइम पे भी आ जाते थे तो हम बस घंटों बैठे रहते थे, वेट कर अभी आएंगे बेग साहब आएंगे, काम शुरू होगा काम शुरू होगा। तो फिर चढ़ाई भी काफ़ी चढ़नी पड़ती थी गानों की शूटिंग के लिए, शूटिंग्स के लिए। लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी परस्तिश। चैलेंजेस के साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद फिल्म स्टार लेजेंडरी मुमताज बेगम। और ब्रेक के उस तरफ कुछ और सॉन्ग्स, कुछ बातें और फिर एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। जब मैंने रिहर्सल की तो मैंने पहनी हुई थी शलवार कमीज। अच्छा। साथ में दुपट्टा लिया हुआ था। वही साहब का मूड खराब हो गया, फिर वो लिबर्टी मार्केट गए, उन्होंने मुझे जीन दिलाई, शर्ट दिलाई, कैप दिलाई। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि अब शूटिंग करेंगे। मुझे ले चल, मुझे कहीं ले चल, यहाँ से दूर उन वादियों में, जहाँ खुशबू हो, जहाँ नगमे हो, जहाँ प्यार मिले। सजी है कहकशां सितारों का जहां, यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज एक ऐसी जर्नी पे आपको हम लेकर जा रहे हैं जहाँ पे पुरानी यादों की बातें, कुछ एक मेमोरी डाउन द लेन, एक नॉस्टैल्जिया सा हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं फिल्म स्टार मुमताज बेगम जी। तो ब्रेक से पहले जैसे कि हम अपने वो एक गाना उसकी बात कर रहे थे, फैशन सेंस की बात कर रहे थे। अच्छा, उस वक्त में मुझे ये बताइए कि जो हीरोइंस थी उनके आपस में दोस्ती होती थी या कोई टसल चल रही होती थी या एक बस बहुत अच्छा प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप होता था? नहीं नहीं, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अच्छा। टसल्स भी चलती थी, झगड़े भी होते थे, दोस्तियाँ भी होती थी। तो आपकी किससे सबसे ज़्यादा दोस्ती थी जिसके साथ आप कुछ शेयर करती थी, कोई मूवी की बात या कोई बंदा सजेशन लेता है कि भाई मैंने ये फिल्म साइन की है या वो? मैडम शमीमा रहती। अच्छा, मैडम शमीमा। अच्छा, जैसे कि आप जानती हैं कि अब अगेन दोबारा पाकिस्तान अपना सिनेमा रिवाइवल की तरफ है, यू नो, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन आपने पाकिस्तानी सिनेमा का बूम जो पीक टाइम था वो आपने देखा है और आपने उसमें काम किया है, तो आपके हिसाब से जो आजकल जो हम सिनेमा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है आपके हिसाब से जो कि हम लैक कर रहे हैं और हमें करने की ज़रूरत है टू मैच दैट स्टैंडर्ड एंड दैट लेवल दैट यू यूज्ड टू वर्क एट? नहीं, आई थिंक लेवल तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा। सिर्फ हमारी जो पब्लिक है वो थोड़ी गुमराह हो गई है। अगर हमारी पब्लिक गुमराह होने से बच जाए तो मेरा ख्याल है लेवल वापस आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। और आप तो बहुत एजुकेटेड लोग आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत एजुकेटेड भी और हर चीज इतनी माशाल्लाह अच्छी है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा, बिल्कुल वो। अच्छा जी, अब एक और गाना आपका हम देखते हैं। जी जरूर। वाह भाई, ये तो गाना इतना जबरदस्त है और ये गाना हमारे शो में इतनी दफा परफॉर्म हुआ है कि बस बहुत ही प्यारा गाना और बड़ा मीठा गाना।
और जिस तरीके से आपने पिक्चराइज कराया वहाँ पे पहाड़ों में, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था तो मेरी यूके की फ़्लाइट थी वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा। तो अल्ताफ़ साहब से मैंने कहा कि मैं तो कल जा रही हूँ, आपने गाना रख लिया है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा फ़्लाइट डिले कर लो। मैंने कहा मेरे अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे बैठे। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। ये एक दिन में पिक्चराइज हुआ गाना। अच्छा। जस्ट वन डे। जी। और इसमें हालांकि तीन ड्रेसेस भी चेंज है। भी चेंज की है। और शाम का सीन भी है, सुबह से लेकर शाम तक। बिल्कुल। और अली एजाज साहब के साथ आपने इस फिल्म में काम किया, उनके साथ कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे इंसान थे। और सबसे पहले मैंने ही उनके साथ काम किया था। अच्छा। हमारी उस दौर की जितनी हीरोइंस थी, फिल्म का नाम था दुबई चलो। हाँ जी, दुबई चलो। तो उनकी पहली फिल्म थी। हैदर चौधरी साहब ने इन्हें लॉन्च किया था एज हीरो। तो सब ने इनकार कर दिया, जितनी भी आर्टिस्ट थे। हाँ, कि न्यू कमर के साथ हमने नहीं करना। फिर कॉमेडियन थे ना, तो उसके साथ वो काम करना नहीं चाहते। फिर इन्होंने, हैदर चौधरी साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी काम। फिर मैंने काम किया तो वो जब तक जिंदा रहे बहुत इज्जत करते थे। बहुत। मुझे तुमने हीरो बना दिया। हीरो तो अल्लाह ने बनाया था। बिल्कुल। मगर सबब आप बने। सबब मैं बनी। बिल्कुल। नहीं, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जितने भी आपने फिल्म्स किए, काम आपने माशाल्लाह से बहुत ज्यादा किया, लेकिन उनमें से अगर एक आपको चूज करनी पड़े कि ये मेरी फेवरेट स्टोरी और फेवरेट फिल्म थी, तो वो कौन सी होगी? एक तो थी हैदर अली और एक अंबर। अंबर, अंबर के गाने भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। इंतजार में भी आपका रोल बहुत मजेदार था। पैरेलल टू शबनम एक लव ट्रायंगल था, नदीम आपका और शबनम का। जी, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी थी। अच्छा, आपने कभी जैसे कि एक्टिंग आपने बहुत की और आपने इतने सुपीरियर एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, सीखा भी इतना, तो अब आपका कभी प्लान है, सोचती हैं कि डायरेक्शन की तरफ आप आएँ? क्योंकि आई एम श्योर आप हमारे अपकमिंग टैलेंट को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। नहीं, डायरेक्शन के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं है। प्रोडक्शन हाउस के बारे में मैंने ज़रूर सोचा है। okay. मैं अपनी प्रोडक्शन हाउस खोलूं और नए आर्टिस्टों को चांस दूं काम करने का। अच्छा। और सिखाऊं उनको जो मुझे आता है, मैं भी सिखाऊं उनको। जैसे कि आप वापस पाकिस्तान आई और आप कह रही थी कि आपके बेटे को भी एक्टिंग का बहुत शौक बहुत, है बहुत। तो उन्हें सिनेमा में इंटरेस्ट है या टेलीविजन? क्योंकि अब तो पाकिस्तान में टेलीविजन भी बहुत एक पावरफुल मीडियम है। टेलीविजन में शौक। अच्छा, टेलीविजन में। ओ लवली। हाँ, क्योंकि अब जो हमारे फिल्म के भी एक्टर्स हैं वो टेलीविजन का ही काम करते हुए फिर फिल्म की तरफ जाते हैं। जाते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, लवली। अच्छा जी, नेक्स्ट सॉन्ग देखते हैं। डायरेक्टर थे तो ये गाने के लिए हम लाहौर में एक जगह है उसको कहते हैं मलिक द बाग। अच्छा। हम वहाँ लोग पहुँच गए, मैं पहले पहुँच गई, वहीद साहब लेट आए। अच्छा। तो रिहर्सल शुरू हो गई। जब मैंने रिहर्सल की तो मैंने पहनी हुई थी शलवार कमीज। अच्छा। साथ में दुपट्टा लिया हुआ था। वहीद साहब का मूड ख़राब हो गया। उन्होंने कहा पैकअप पैकअप पैकअप, कोई शूटिंग नहीं होगी। अच्छा। सबने कहा ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, अब आपने पैकअप कह दिया। उन्होंने कहा आप गाना देखें और लड़की का ड्रेस देखें। वो कोई यहाँ भंगड़ा डालने तो आई नहीं है कि आप उन्हें शलवार कमीज पहना रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा पैकअप करके हम लोग सब इकट्ठे चले गए। ओके। फिर वो लिबर्टी मार्केट गए, उन्होंने मुझे जीन दिलाई, शर्ट दिलाई, कैप दिलाई। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि अब शूटिंग करेंगे। सब लोग हैरान हो गए। और फिर स्टेप्स मुझे इतने मॉड नहीं आते थे, वो भी वहीद साहब ने मुझे बताया। अच्छा। कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रेस सेंस और कितना अहेड ऑफ इट्स टाइम, मतलब एब्सोल्युटली विद मेक। अच्छा, मेकअप भी इतना ऑन पॉइंट। बाल भी उन्होंने कहा खुले रखने हैं, पहले चोटी की भी थी मैंने। अच्छा।
और ग्लॉसी लिपस्टिक जो लगाई हुई है आपने उस वक्त, ये भी उस वक्त बड़े लेटेस्ट ट्रेंड्स थे। तो ये आप फॉलो करती थी उस वक्त मैगजीन्स को देख के, या बस जो आपके दिल में आता था या सुनती थी? क्योंकि मैं अपने अब्बा को मिलने लंदन जाती थी। हाँ जी। तो वहाँ पे जाके जो भी मैं देखती थी वो मैं चीजें खरीदती रहती थी। ओके। आगे मैं इस्तेमाल करती थी। ओके। हाउ वंडरफुल इज दैट। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग देखते हैं। अच्छा, वैसे तो आपने सारे इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने लेजेंड्स के साथ काम किया है, लेकिन आपको क्या लगता था कि आपकी जो ऑन स्क्रीन जो कपल था और केमिस्ट्री थी, वो कौन से हीरो के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी आपको लगती? सबके साथ। मैं वाहिद वो फिल्म आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जिसने सब हीरोज के साथ काम किया। ये नहीं कि पंजाबी है तो पंजाबियों के साथ काम किया, उर्दू है तो उर्दू के साथ काम किया, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, इस गाने में बताएं, ये फिल्म धीरानी का गाना है? जी बिल्कुल, ये धीरानी। और इसमें अंजुमन भी थी? अंजुमन। हाँ, और ये भी एक ट्रायंगल था इसमें? जी बिल्कुल था इसमें। तो इस गाने की पिक्चराइजेशन का कोई किस्सा कुछ वो बताएं कि? नहीं, इसका तो कोई खास नहीं है क्योंकि मैं टाइटल रोल पे थी। अच्छा। धीरानी जिसे बेचारी को मारी पड़ती रहती है और वो रोती रहती है, तो पूरी फिल्म में मैं रोती ही रही। अच्छा। ग्लिसरीन नहीं लगाती रही। अच्छा। किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने धक्का दे दिया, मेरा तो यही हाल था उस फिल्म में। अच्छा, जैसे कि आपने दो तीन किस्से ऐसे सुनाए जिसमें आपने कहा कि आप पहले पहुंच जाती थी और फिर वेटिंग होती थी, तो क्या इसी तरीके से काम का ट्रेंड था कि पहुंच गए सेट पे, वेट हो रहा है, फिर काम कब शुरू होगा, फिर काम कब पैक होगा? क्योंकि अब तो आजकल तो जैसे टाइम है ना, सुबह 10 से रात 10 बजे तक, उस जमाने में ऐसा कोई टाइम सेट होता था कि नहीं? कुछ आर्टिस्ट थे जैसे अल्लाह करे रहमत फरमाए सुल्तान राही साहब थे। ओके। वो हम सबसे पहले पहुँच जाते थे। अच्छा। फिर हम बाद में आते थे तो सॉरी लेट हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता तो कोई आर्टिस्ट लेट हो जाता। शाहिद साहब सुना बहुत लेट आया करते थे। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हमारे खूबसूरत खूबरू हीरो हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही। तो कभी ऐसा हुआ कि दिन का सीन है लेकिन शाम हो गई, एक्टर नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चले जी, वी विल टेक आवर लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एक जो सरप्राइज का मैंने जिक्र किया है उसे हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपसे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी मुमताज़ बेगम। जी, तो इतने प्यारे गाने, इतना इनकी पूरी जर्नी जो है, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो 50 मिनट का, तो उसमें हम पूरी वो बातें नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आपको दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, जरूर, मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। और जो ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रहा था कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो आज जिस तरह के मैडम शमीवारा ने आपको एक चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो आज हमारा पाकिस्तान टेलीविजन का ये प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहा है आपके बहुत ही टैलेंटेड बेटे ज़ीशान बारी को, कि हम उनको व्यूअर्स के साथ मिलाना चाहते हैं। सो लेट्स इनवाइट द टैलेंटेड ज़ीशान बारी। जी ज़ीशान, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। थैंक यू सो मच। जी, तो आप अपनी अम्मा जान को खींच के कनाडा से ले ही आए क्योंकि इतना ज़्यादा आपको एक्टिंग का शौक है? काफ़ी शौक है, इसलिए जिस तरह अभी मैं सुन रहा था माम की बातें, जी आराम से वो बैठी हुई थी कनाडा में, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं, बस अब चलें, काफ़ी ज़िंदगी हमने कनाडा एंजॉय कर लिया, अब पाकिस्तान चलते हैं। तो अब आप जो है मूवीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, ड्रामास की तरफ जाना चाहते हैं, या सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं भी किसी तरीके से कोई एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको मिले? वैसे तो आई एम मोर पैशनेट अबाउट ड्रामास। ओके। वो इसलिए क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं बाहर,
सारे कहते हैं कि जी आप लोगों के ड्रामे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जितने भी बाकी जो नॉन पाकिस्तानी लोग हैं वो सारे हमारे ड्रामे देखते हैं। बिल्कुल। तो आपकी इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स आपकी अम्मी आपके घर में थी, शी हस्बैंड, लेकिन टेलीविजन में कभी आप किसी से इंस्पायर्ड आपने फील किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू गेट टाइम टू वॉच टेलीविजन? हैव यू सीन एनी ऑफ द पाकिस्तानी ड्रामास? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन and the answer is no. You haven't, achha. Because nahi mauke milte to hain dekhne ke liye, but itna time to nahi hota. Aapko pata hai bahar ki zindagi kafi busy hoti hai. Very, yes. So I think I'm just generally inspired. Jo aajkal ke jo shows ban rahe, they're amazing. और मुझे पता चलता है मेरे दोस्तों से जो कहते हैं कि जी ये देखा है, ये वो ड्रामा देखा है, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसी कोई पाकिस्तानी टेलीविजन की एक्ट्रेस जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आपने सुना हुआ हो, जिनके साथ आपको काम करने का बड़ा शौक हो? एब्सोल्युटली, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दोनों सुने तो बहुत हैं। हुमायूं सईद साहब हैं, हू इज एन एब्सोल्युट लेजेंड। I don't know if I'll ever get the chance to work with him, lekin inshallah hum hope kar sakte hain ki kabhi na kabhi mauka milega unke sath kaam karne ke liye. But aise bahut hain. I think I just want to work. It's as simple as that. Chale acha hai, because you have made the right decision so far. Thank because you. Sara kaam jo hai wo yahi Karachi mein ho raha hai, aur sare channels, sare production houses, aur hamare channel ke through agar aap hamare producers hain, production houses hain, wo dekh rahe hain, तो न्यू किड ऑन द ब्लॉक इज़ राइट हियर, और वो हमारी बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट के साहबजादे हैं, तो ऑब्वियसली टैलेंट की तो कमी नहीं होनी चाहिए। इस पे तो कोई डाउट ना हो, करना चाहिए ना किसी को होगा, आई एम श्योर। थैंक यू, थैंक यू। इतना बड़ा नाम है आपकी वालदा का, तो उनको, उनके फुटस्टेप्स को कैसे आप फिलअप करेंगे? लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, यू नो, वंस दे सी कि जी आपका चेहरा देखेंगे, मगर जब देखेंगे कि जी फिल्म स्टार मुमताज़ बेगम के आप साहबजादे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस फौरन ऊपर चली जाएंगी। इतना इसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था, अब आपने सीट कर दिया, तो अब सोचना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन बट यू राइट, मुझे पता है मॉम के साथ मेरी कंपेयरिंग तो होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। बट आई थिंक, आई होप के मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आजकल की दौर के साथ कंपेयर होंगी। और हाउ एक्टिव यू आर ऑन सोशल मीडिया? आई एम नॉट। अच्छा, अब ये भी है, वो भी, आजकल तो टैलेंट के साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव भी होना पड़ता है। बट आई गेस वो काम के साथ भी शुरू हो सकता है, once he starts working, only then he can, अगर आप जबकि पाकिस्तान आ चुके हैं तो अपने एक बनाएं आप, ताकि लोगों को पता चले। कितना टाइम हुआ है आपको पाकिस्तान आए? थोड़ी देरी हुई है, ज्यादा देर अभी नहीं हुई। But you can probably tell from my accent. अच्छा जी, तो फिर आप ये बताएं कि आपको कैसा लगेगा कि ज़ीशान को काम मिलना शुरू होगा, तो आप जरा उसके क्रिटिकल वो करेंगी कि तनकीद के भी तुम ये काम ठीक कर रहे हो या ये काम गलत कर रहे हो? बिल्कुल करूंगी क्योंकि घर के अंदर इतनी बड़ी एकेडमी है, तो गाइड आपको करना चाहिए। लेकिन वो माशाल्लाह इतने सुलझे हुए बच्चे हैं कि इतना शौक और इतना जज्बा जब बच्चे में होता है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। भाई देखें, जो अपनी वालदा को एक वेल सेटल्ड जिंदगी को छुड़ा कर एक यहाँ पर ले आया इन हालात में, इसका मतलब है कि बहुत पैशनेट है, बहुत शौक है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वालदा ही खुद एक एकेडमी है, कनाडा में रहते हुए कभी स्कूल में किसी ड्रामा में किसी क्लब में हिस्सा लिया है, कभी पार्ट रहे हैं, या अब ये एक नई शुरुआत है जो आप करना चाहते हैं जिंदगी? कि एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने अंगड़ाई ली और मैंने कहा, हाँ, मैंने डिसाइड किया, मॉम, आई वांट टू बी एन एक्टर, आई वांट टू बी एन एक्टर। ऐसे तो नहीं था। अच्छा, मुझे तो शुरू से ही शौक था। ओके, एंड आई ग्रू अप वाचिंग हर एंड वाचिंग हर, राइट? तो शौक तो हमेशा था। आई वेंट टू स्कूल फॉर एक्टिंग इन कनाडा। ओह वाओ, आई डिड। सो यू हैड फॉर्मल ट्रेनिंग? आई हैड फॉर्मल ट्रेनिंग, तो आई ट्राइड टू बी एज रेडी, जितना मैं रेडी हो सका मैं रेडी होके आया। वंडरफुल, दैट एक्चुअली विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, आपने इतनी फिल्म्स की हैं, कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब है वो तो कुछ बता चुकी है, मगर आपकी एक फिल्म थी अन्नदाता, वो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, और एक मैंने सुना है कि बड़ा फेमस आपका इंसिडेंट हुआ था जिसमें आप घोड़े से गिरी थी। जी तो, बिल्कुल। हाँ, तो वो ज़रा शेयर करें हमारे व्यूअर्स के लिए। इकबाल हसन साहब थे, अल्लाह गरीफ़ रहमत फरमाए, उन्हें, पंजाबी फिल्म थी, और उन्होंने मुझे अपने घोड़े पे बिठा के भगा कर ले जाना था, लेकिन वो घोड़ा जो था वो तंग करता था बार बार।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि घोड़े पे बैठे, हाँ। तो जब मैं बैठती थी तो वो जंप करता था, फिर मैं जब घोड़े पे बैठती थी तो उन्होंने कहा कि इसको दो थप्पड़ मारो। अच्छा। तो घोड़े को जो दो थप्पड़ लगे, ऊपर बैठी हुई थी आप और थप्पड़ मारे, और इकबाल हसन साहब पीछे बैठे थे, मैं आगे बैठी थी, थोड़ी दूर गए तो घोड़ा साहब जो थे उन्होंने मुझे गिरा दिया। तो चोटें वगैरह तो नहीं? बहुत आई भाई, हॉस्पिटल चले गए। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हड्डी वड्डी नहीं टूटी। हाँ, मगर देखो ना कि ये कितना एक पैशन होता था काम करने की उसमें। फिर एक और फिल्म थी यूनुस मलिक साहब की, एक गाना था, तो राय साहब मेरे पास आए और आकर कहते हैं कि मानो ये शहद की मक्खी है तो इसे छेड़ना ना। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा क्या काम है, मैं तो गाना गा रही हूँ, आप गुस्से होके इधर उधर इधर उधर जा रहे हैं। कहते हैं ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उसको हिला दिया, सारे भाग गए, मैं ही पकड़ी गई। अब मैं मुंह पे हाथ रख के बैठी और वो सारी मक्खियां मेरे ऊपर है। अब मैं रो रही हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाने नहीं आया। फिर आखिर मेरा ही जो वो मेकअप बॉय था वो शॉल लेकर आया, उसने मुझे शॉल उड़ाई और काफी देर तक वो आग के साथ खेलता रहा था कि वो, लेकिन फिर मैं 2 महीने बीमार रही, वो सारे उनके वो जो थे ना डंग सारे लगे हुए थे, वैसे ऐसे ट्यूजर के साथ। कोई आसान काम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, इसके साथ ही we've come to the end of the show. But before we end the show, I hope you're prepared for what's you know there to come for you, because as she said, it's not easy. ड्रामे की भी जो शूट होती है, सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, रात को 10 बजे, तो 12 घंटे तो मिनिमम है, एंड यू हैव टू बी देयर, वेदर यू हैव योर सीन्स ऑर नॉट, यू हैव टू बी ऑन द सेट, सो बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू, थैंक यू सो मच। टाइम का पता ही नहीं चला, बिकॉज आपका जो आपकी जर्नी जो है वो इतनी तवील है कि उसको हमें 50 मिनट्स में कवर करना मुश्किल था। बिल्कुल, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो पर आई, ज़ीशान हमारे शो पर आया, और आपके लिए छोटे से गिव अवेज हैं, ये मुसर्रत मिसबा की तरफ से आपके लिए मेकअप का गिफ्ट है, और ये मग आपके लिए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ज़ीशान, थैंक यू सो मच, योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो। थैंक यू, इट वाज अमेजिंग, थैंक यू फॉर आस्किंग इजी क्वेश्चंस। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। बट ये कैसे हो सकता है कि हमारे शो में इतनी बड़ी लेजेंडरी आर्टिस्ट हों और म्यूज़िक की परफॉर्मेंस ना हो? सो फिनाले के तौर पर, और हमने इनवाइट किया है ट्रूली टैलेंटेड अरूसा अलीक को, जो यहाँ आके परफॉर्म करेंगी मैडम मुमताज़ का गाना, जो कि उनकी सिस्टर महनाज बेगम ने परफॉर्म किया था और इन पर पिक्चराइज हुआ था, और वो आज यहाँ पर आके यहाँ पे लाइव परफॉर्म करेंगी। दैट विल बी आवर फिनाले। मगर आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। मुझे ले चल, ले चल मुझे कहीं ले चल, यहाँ से दूर उन वादियों में, जहाँ खुशबू हो, जहाँ नगमे हो, जहाँ प्यार मिले। मुझे ले चल, ले चल मुझे
सजना।